सन 1920 का दशक था जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का कड़ा नियंत्रण था। हर एक भारतीय का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके अत्याचारों और दमन ने हमारे देशवासियों की स्वतंत्रता की आशाओं को कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी इन अत्याचारों के खिलाफ उठ खड़े हुए। अनेक संगठनों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने का निश्चय किया। उनमें से एक प्रमुख संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। इस संगठन का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अन्य क्रांतिकारी कर रहे थे। इन क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 का दिन, यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। लखनऊ से काकोरी जा रही ट्रेन पर हमला करने की योजना बनाई गई। यह ट्रेन लखनऊ से चलकर सहारनपुर जा रही थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार का खजाना लदा हुआ था। जैसे ही ट्रेन काकोरी स्टेशन के पास पहुंची, राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी क्रांतिकारियों ने ट्रेन की चैन खींचकर उसे रोक लिया। ट्रेन के रुकते ही क्रांतिकारियों ने हथियार निकालकर ट्रेन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने गार्ड को बेहोश कर दिया और खजाने की पेटियों को खोलकर उसमें रखा हुआ धन लूट लिया। यह घटना ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इस घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी। ब्रिटिश हुकूमत ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर दी और दोषियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। काकोरी कांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने व्यापक रूप से गिरफ्तारियां शुरू की। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अन्य कई क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। इन पर लखनऊ के विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में इन क्रांतिकारियों ने बहादुरी और साहस का परिचय दिया और अपने कृत्य को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा बताया। न्यायालय ने इन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। इन वीरों के बलिदान ने पूरे देश में एक नया जोश और ऊर्जा भर दी। काकोरी कांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई को और अधिक मजबूत बनाया। काकोरी कांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया जोश और उत्साह भर दिया। इन वीर क्रांतिकारियों का बलिदान हमारे देश की आजादी की नींव बना। हमें इनके संघर्षों से प्रेरणा लेकर अपने देश की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यह घटना हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्ष हमेशा जारी रहना चाहिए। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करना चाहिए और देश की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो, जीवन न खपाया हो, यातनाएं न झेली हो, आहुति न दी हो। कि ब्रिटिश हुकूमत ने इस देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, इस देश के क्रांतिकारियों के साथ किस किस प्रकार का अत्याचार किया था। काकोरी ट्रेन एक्शन के मामले में कहा जाता है कि जो क्रांतिकारियों ने अपने स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर जिस घटना को अंजाम दिया था उसमें उनके हाथ केवल लगे थे 4600 रुपये, 4600 रुपये, लेकिन अंग्रेजों ने और इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए उन क्रांतिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, मुकदमे चलाने, उन्हें फांसी पर लटकाने तक जो धनराशि खर्च की थी उस समय 10 लाख रुपए खर्च किए थे। यानी एक क्रूरता की एक नई कहानी को हम सबके सामने, और जो हमें हमेशा इस बात का एहसास कराता है
कि देश की स्वाधीनता से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है, और हर हाल में हर भारतीय का यह दायित्व बनता है कि हम अपने देश की इस आजादी को हर हाल में सुरक्षित रखें। देश का आजादी का यह अमृत महोत्सव का कार्यक्रम हम सबको इस नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है।